गाइस आज हम खेलने वाले हैं रबर रेसिंग, जो कि गाइस बहुत ही तगड़ा वाला गेम होने वाला है। तो इसकी ग्राफिक्स के साथ तो बहुत ज़्यादा हाई है, मेरे फ़ोन में तो चल भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से गाइस मैंने चलाया, तो अभी जाके खुद तो चल गया गाइस गेम, ऐसे तो बिना लॉगिन किए हुए भी। शायद लॉगिन करना होता नहीं करना होता मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं किया, ठीक है। और अभी जो पहली रेस है गाइस, वो तो मैं थोड़ा सा ऐसे इंट्रो के लिए लगा दिया था। बाय द वे जो रेस है वो थोड़ी बहुत, मतलब इस रेस में जो गाड़ी मिली है वो थोड़ा बहुत टाइम के लिए रहेगी, उसके बाद मेरे को दूसरी गाड़ी लेनी पड़ेगी। तो अब आपका कॉल आ चुका है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो हमें दूसरी रेसेस देगी, तो इससे जल्दी जल्दी बातें करते हैं, उसके बाद इसको हम स्किप करते हैं गाइस और अपनी जो गाड़ी है उसको मंगाते हैं। अपनी गाड़ी को हमने परचेस कर लिया, बुक हो गया, हमारे घर पर डिलीवर भी हो चुकी है, जो कि फोर्ड की बहुत ही पुरानी गाड़ी है, बहुत ही रेयर है और एक टाइप से देखो तो बहुत ज़्यादा महंगी भी है यार, बट पुरानी होने की वजह से थोड़ा सा पावर वगैरह कम मिलेगा, बट अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, तो रेस करके हम पैसा कमाएंगे बाद में, बट अभी तो पहली रेस हम करते हैं गाइस अपनी 1971 की फोर्ड से। फोर्ड मस्टैंग है गाइस ये, जिसमें मैं बूस्टर मारता हूँ, और अभी आई होप सो मैं फर्स्ट आऊँ, अभी तो मेरी थर्ड रैंक है बट सेकेंड रैंक हो चुकी है गाइस। और यहाँ पे एक और टर्न जो कि काफ़ी मस्त ड्रिफ्ट मारती है गाइस, ये गाड़ी काफ़ी मस्त ड्रिफ्ट मारती है, बट शायद मैं सेकेंड ही रहूँगा क्योंकि या मैं सेकेंड ही रहूँगा गाइस, तो पहले मैं तो विन हो चुका हूँ, सेकेंड ही रोके, बट मेरे को एक बंदे को आ रहा था जो कि हार चुका है, ठीक है। तो मैं अभी 450 रुपये ऑफकोर्स जीत चुका हूँ इस गेम में। और अभी गाइस अपने हम जो गाड़ी है उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं, बट वो फ्री में मिल रहा है गाइस, तो फ्री में तो लेना बनता है यार। चलो गाइस अभी हम कटआउट करते हैं इसको, दूसरी रेस के लिए भी गाइस हमें चलना होगा, तो हम दूसरी रेस के लिए भी चलते हैं। अभी एवा हमें दूसरी जो है रेस देगी, तो हम 500 वाली रेस करेंगे गाइस, क्योंकि हमें मिली है दूसरी वाली, तो पेट्रोल भी लगता है गाइस इसमें, एक बार में एक टैंक पूरा खाली कर देती है हमारी गाड़ी, सभी गाड़ियाँ वैसे करती हैं टोटली। तो हमें बीट जी ऑफ को हराना है, जो कि 2015 मॉडल की गाड़ी लेके आया है, आई डोंट नो कौन सी गाड़ी है, शायद कॉर्बेट है, शायद बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे नॉलेज में मत जाना, मैं कार्स सिर्फ नई वाली कार्स के बारे में ही ज़्यादा जानकारी रखता हूँ, पुरानी कार्स के बारे में ज़्यादा नहीं रखता। इसका नाम तो मैंने को गेम वालों ने बताया था। तो अभी गाइस मेरी सेकंड रैंक आ चुकी है, और जो फर्स्ट वाला बंदा काफ़ी तेज़ भाग रहा है, बट मैं उसको ऑफकोर्स पीछे कर सकता हूँ, तो मैं उसको पीछे कर दिया गाइस, जहाँ पर काफ़ी मस्त वाली टर्न, और इस बार गाइस मैं फर्स्ट आने वाला हूँ और अच्छा खासा पैसा छापने वाला हूँ पक्का। और अभी थकना नहीं है गाइस, पीछे साइड में देख सकते हो ढेर सारे बंदे हैं, तो अभी गाइस मैं फर्स्ट होके जीत चुका हूँ, लेट्स गो, बहुत सारा पैसा मिलेगा गाइस विन। हमें सिर्फ एक बंदे को हराना होता है जो कि सेकंड नंबर पे था, और वो हमसे हार चुका है। अभी हम गाइस थोड़े बहुत ना पैसे वगैरह देखेंगे, मतलब ये जो डॉज राम वगैरह लंबोर्गिनी उर्स वगैरह ये सब हमें लेनी है, और ये काफ़ी प्यारी सी गाड़ी है यार, काफ़ी मन छा गया मेरा। इसका नाम पता नहीं, इसका नाम नहीं लिखा शायद कहीं पे, नहीं गाइस ये लिखा हुआ है 2015 की चेवरलेट कमैरो है, जो कि बम्बल बी वाली गाड़ी है, आपने देखा होगा कभी ना कभी। एक और रेस गाइस हम जो करेंगे, अभी वो लॉक हो चुकी है, एक नई गेस आई है जो कि शायद बॉस है, हाँ तो बॉस से हमें करनी है, और ये हमें पता नहीं कितने रुपए दे रही थी, मैंने देखा भी नहीं ध्यान से। चलो गाइस इसको स्टार्ट करते हैं, और इससे हम बॉस है तो बॉस थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा देगी, और क्या गाइस हमें 2015 वाली चेवरलेट कमैरो को ही बीट करना है, और वो भी अपनी बहुत ही पुरानी वाली गाड़ी यानी 1971 की मस्टैंग से। वैसे तो काफ़ी औखा होने वाला है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पुरानी गाड़ी है हमारी, और जो सामने है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी है, काफ़ी ज़्यादा नई भी है। चेवरलेट का तो जानते हो यार, बहुत ही तगड़ी तगड़ी कार्स बनाती है वो, इसके इंजन की भाई पावर का अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट अभी मैं हरा चुका हूँ इस गाड़ी को, देख सकते हो गाइस पीछे की साइड में काफ़ी मस्त वाला टर्न ले लिया, और अगर गाड़ी अगर वो वाली पीछे से आ गई ना तो सच्ची बता रहा हूँ मैं हार जाऊँगा, बट अभी मैं जीत चुका हूँ, विन कर चुका हूँ गाइस। बॉस को तो मैंने एक ही बार में हरा दिया, ये सब तो मेरे लिए बच्चे हैं गाइस, बट यार 119 पीपी थी गाइस उसकी, फिर भी वो मेरे से हार गई। चलो कोई हार गया शायद, नहीं लड़की थी, हार गई हाँ। चलो गाइस अभी हमें एक गिफ्ट, फ्री गिफ्ट नहीं, ये थोड़े 23 आवर्स के बाद खुलेगा, मतलब एक दिन का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिस्ट्री कार्ड क्या मिल रहा है, अनलॉक भी नहीं हुआ गाइस, तो थोड़ा बहुत गाइस हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपनी गाड़ी को जबकि थोड़ा सा और तेज़ भाग सके अपनी गाड़ी। वैसे गाइस अभी हमारे पास में ढेर सारी गाड़ियां भी हैं, और हमें कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलेंगे इसमें, प्रो पास भी है जो कि मैं नहीं लेने वाला, तो प्रो पास में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी मेरे को, बट अभी नहीं चाहिए गाइस मेरे को, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें, पता नहीं चैलेंजेस वगैरह बता रहा है, ओहो यहाँ पे तो पता नहीं, मैंने कन्फर्म, अबे मेरे पैसे कट गए यार बिना फालतू, कन्फर्म तो कर दिया पर बिना फालतू मेरे पैसे कट गए, और कुछ से कुछ मिला भी नहीं मेरे को। चलो गाइस कोई ना, अभी रेस करके वापस से हम ले आएंगे गाड़ी को, यार थोड़ा बहुत अपग्रेड करना है, पर अभी पैसे ही नहीं बचे, तो
यहाँ पे कार्स, अभी हम कार्स देखने आए हैं गाइस। तो यहाँ पे ना फोर्ड की जीटी मेरे को बहुत पसंद आई है सच्ची में बताऊँ तो। पर यहाँ पे कुछ रेयर रेयर कार्स हैं जो कि मैं अभी देख रहा हूँ, लैम्बोर्गिनी एस्टियान वगैरह भी है गाइस, ये तो लेनी है गाइस एक दिन। बट इसे ट्रैक्स पता नहीं कहाँ से मिलेगी, ये मेरे को ये भी नहीं पता, ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है। और ये BMW M8 है भाई साहब, ये तो बहुत मस्त है। और इसके आगे वाली जो गाड़ी है ना बहुत ही मस्त है, मतलब फोर्ड GT है गाइस, वो भी कस्टम, काफ़ी मस्त लगती है, तो लेनी ही लेनी। तो अभी हम ये सारी औकात से बाहर है तो इन सबको हम नहीं देखने वाले। बाय द वे यहाँ पे ABCD के नाम से सारा लिखा हुआ है। और यहाँ पे गाइस कुछ पुरानी पुरानी गाड़ियाँ हैं जैसे कि डिफेंडर वगैरह, चेवरलेट है, और ये लैम्बोर्गिनी भाई 1988 की लैम्बोर्गिनी है। लैम्बोर्गिनी में ऑफरोडिंग गाड़ियाँ बनाती है, मेरे को पता नहीं था। कैडिलैक है, और ये फोर्ड रैप्टर है भाई साहब, काफ़ी मस्त मस्त गाड़ियाँ यार यहाँ पे। तो ये फोर राम है शायद, हाँ 2020 की राम है गाइस, ये काफ़ी मस्त लगती है यार। जी वैगन भी है और ढेर सारी गाड़ियाँ, बट मेरे पास इनफ पैसे या फिर कुछ है ही नहीं जिससे मैं ख़रीद सकूँ। पैसे भी नहीं बता रहा यार ये तो बंदा। चलो गाइस अभी कोई ना कभी तो इसको ख़रीदेंगे। रेंज रोवर विलार भी है यार, विलार वगैरह मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। विलार अभी इसको काटते हैं और चुपचाप हम रेस के ऊपर ध्यान देते हैं। मेरे पास उतना पैसा नहीं है तो मैं ख़रीद नहीं सकता, अभी सिर्फ रेस करेंगे। तो एक और रेस हो चुकी है गाइस जो कि हमें एवा देगी, तो यहाँ पे हम इससे बात करेंगे। 2000 की होगी, होने वाली है शायद रेस। ओ गाइस यहाँ पे हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे और हमें काफ़ी तगड़ी गाड़ी मिलने वाली है गाइस प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि होने वाली है बीट टोनी को हमें हराना है, वो भी क्वाइजनेस से, कॉनिसेग ऐसे कुछ, कॉनिसेग है गाइस, कॉनिसेग से हमें कॉनिसेग को हराना है। काफ़ी मस्त गाड़ी है भाई साहब, काफ़ी मस्त रफ्तार पकड़ी यार। फोर्ड मस्टैंग को चलाने के बाद मैं इस गाड़ी की रफ्तार मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, सच्ची बताऊँ तो ठोकूंगा मैं, बट गाइस बहुत सही, सच्ची बता रहा हूँ बहुत मस्त गाड़ी है यार ये गाड़ी यार, सच्ची में मेरे को मिल जाए ना। अभी तो फोर्ड की वो जो चला रहा हूँ ना वो बहुत बहुत स्लो है यार इसके सामने तो। और मेरे को जो पैसे भी मिले ना वो भी बहुत ज़्यादा, 1700 रुपये मिले पहली बार रेस में, सबसे ज़्यादा। और यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड्स भी मिले हैं, ब्रॉन्ज की मिली है, इन सब का यूज़ नहीं पता मेरे को, आप कमेंट में बता सकते हो। बट रेबल रेसिंग की जो तीनों गाड़ियाँ ना मेरे को लेनी है जो इसके उस पर लगा है। बट ये निसान है गाइस जो मैं अभी दो गाड़ियों को हराया था, निसान है। और हम किस से शायद गाड़ियाँ खोल सकते हैं रेयरेस्ट, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा अभी। गेम काफ़ी मस्त है, 650 MB का है, तो लो एंड डिवाइस में तो शायद नहीं चलेगा। बट आज इस वाली वीडियो में इतना ही है, उसको गेम वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना। बाय बाय।